हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर जिले के शामगढ़ से। रजा ए हुसैन कमेटी शामगढ़ द्वारा इमाम हुसैन की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में नगर की एवं आसपास के क्षेत्र की जनता द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। गंगा जमुना तहजीब के तहत सभी समाज जनों द्वारा रक्तदान किया गया। रजा ए हुसैन कमेटी के सदर आबिद हुसैन द्वारा बताया गया कि शिविर में 100 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं नगर के अमजद हुसैन द्वारा 30वीं बार रक्तदान किया गया। मुर्तजा मंसूरी द्वारा 12 बार रक्तदान किया गया। रिजवान मेव द्वारा 12 बार रक्तदान किया गया। अब्बास जाफरी द्वारा 10वीं बार रक्तदान किया गया। रक्तदान के लिए मंदसौर जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक की टीम के मुख्तियार हुसैन मंसूरी, रामगोपाल पाटीदार, ललित परमार, कन्हैयालाल राठौर, रफीक हुसैन शामगढ़, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राकेश पाटीदार, जयप्रकाश पाटीदार अपनी पूरी टीम के साथ लगे रहे। रक्तदान शिविर में नगर के भारत विकास परिषद शामगढ़, सज्जन सेवा समिति, पंजाबी समाज, मुस्लिम समाज, रेलवे कर्मचारी, कॉलेज के छात्रों, नगर के कई सामाजिक संगठनों सहित मंदसौर, कैंपुर, चंद्रवासा, रुनीचा, सातखेड़ा, अजयपुर सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को हुसैनी समिति द्वारा प्रमाण पत्र वितरण कर अभिनंदन किया गया। टीम रजाए हुसैन समिति द्वारा सभी का आभार भी माना गया। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट।